तो फाइनली बिहार आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय के संबंध में एक बहुत ही अच्छी अपडेट गुड न्यूज निकल के सामने आ चुकी है। जी हाँ, जैसे कि आपको मालूम है कि दिसंबर 2022 का मानदेय पूरे बिहार में आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को फरवरी महीने में ही यानी आज से लगभग 10 दिन पहले जो है 8 या 9 फरवरी को उनके अकाउंट में भेज दिया गया था। फाइनली जनवरी 2023 का मानदेय जो जनवरी पिछले महीने का है वो मानदेय जो है आपको आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके अकाउंट में फिर से देखने को मिलेगा। ये काफी अच्छी बात हो रही है बिहार की ओर से कि मानदेय जो है बिल्कुल अपडेट टाइम पर भेज दिया जा रहा है, क्योंकि फरवरी का महीना फिलहाल चल रहा है और फरवरी के महीने अंत होते होते आपको जनवरी का मानदेय मिल जा रहा है, जो आप सभी के लिए काफी अच्छी बात है। हम उम्मीद करेंगे वीडियो में देखिए आपको पसंद जरूर आएगी। आई होप आप वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने सेविकाओं से शेयर भी कर दीजिएगा। तो फाइनली अगर आप भी बिहार की एक आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका हैं, इस वीडियो को देख रही हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। मानदेय के संबंध में बिहार की आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए एक अच्छी खबर गुड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। इस वीडियो को देखने से आपको बिहार सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को जो मानदेय का जो प्रोसेस है, जो स्टेटस है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए मैं आपको होनरेरियम में स्टेटस दिखा रहा हूँ, जो पूरे बिहार में स्थिति फिलहाल ऐसी ही है। मैंने आपको दिसंबर 2023-22 के मानदेय के बारे में बताया था। जी हाँ, दिसंबर 2022 का मानदेय जो है आज से लगभग 10-12 दिन पहले यानी कि 9-8 फरवरी 2023 को आप सभी के अकाउंट में चला गया था। जैसे कि मैंने कहा था कि फिलहाल पिछले 2-4-5 महीनों से बिहार में आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय जो है बिल्कुल समय पर मिल जा रहा है, तो दिसंबर तक का मानदेय तो क्लियर था। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जनवरी 2023, जी हाँ, यानी जो पिछला महीना अभी बीता है जनवरी 2023, उसका मानदेय का स्टेटस जो है पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड जो है वो 21 फरवरी 2023 को जो है बैंक तक आ चुका है। जी हाँ, कल ही जो है पैसा बैंक तक आ चुका है और ये मान के चलिए कि 3 से 4-5 दिनों में आपको यहाँ पर एक यूटीआर नंबर जनरेट हो जाएगा, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जैसे ही जनरेट होगा उस दिन पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। हालांकि निश्चिंत होने की बात ये है कि देखिए पिछला पेमेंट दिसंबर 2022 का जो है 9 फरवरी को आया हुआ है इस सेविका के अकाउंट में और 21 फरवरी को जो है जनवरी 2023 का जो मानदेय है उसका स्टेटस बिल्कुल क्लियर हो चुका है, पैसा बैंक तक आ चुका है लेकिन अकाउंट में भी नहीं आया हुआ है। अकाउंट में आने में आपको मान के चलिए 2 से 3-4 दिनों का समय लगेगा, यानी 24-25 तक ये पैसा जो है जनवरी 2023 का सभी सेविकाओं के अकाउंट में देखने को मिल जाएगा निश्चित रूप से। तो ये जो देख सकते हैं आपकी पिछला पैसा दिसंबर का 9 तारीख को आया हुआ, जनवरी 2023 का पैसा 25 को आ गया, यानी 15 दिनों के अंदर अंदर 2-2 मानदेय का पैसा आपको देखने को मिल जा रहा है। होली के पहले आपको जनवरी का पैसा निश्चित रूप से मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात है। इस प्रकार देखा जाए कि अभी फरवरी का महीना लगभग चल रहा है, पूरा बीता भी नहीं है और फरवरी का महीना खत्म होने के पहले पहले ही आपको जनवरी का मानदेय मिल गया, जो बिहार ICDS और बिहार सरकार की एक तरह से उपलब्धि मानी जाएगी। ऐसी ही मानदेय अगर सरकार टाइम से देगी तो सेविकाओं सहायिकाओं को कोई खास दिक्कत नहीं होगी। बात आ रही है मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में, सरकार को इस पर भी सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस मानदेय में इस महंगाई के दौर में घर नहीं चलने वाला है। उम्मीद है कि आप सभी को इस वीडियो से जानकारी जरूर मिलेगी। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।